हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चाइना हर बार एक चाल चलता है और पूरे क्रिप्टो मार्केट को क्रैश करता है। साथ ही हम बात करेंगे कि पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अगर अभी हम शिबा इनू कॉइन के करंट प्राइस की बात करें तो अभी इसका करंट प्राइस है 0.00050। अगर आप वजीरेक्स या बाइनेंस पर देखोगे आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसकी मार्केट कैप रैंक की बात करें तो अभी 30 नंबर पर रैंक कर रही है। और पिछले 24 घंटे की बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल काफ़ी लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था। अगर आप इसके 24 घंटे का पिछले लो और हाई देखोगे तो आप देखोगे 0.00041, काफ़ी ज़्यादा इसका जो मार्केट है वो लो गया था। और पूरा क्रिप्टो मार्केट दोस्तों लो गया था, इसकी वजह से भी यहाँ पर शिबा इनू कॉइन काफ़ी ज़्यादा डाउन गया। आप इसका हाई की बात करो तो 0.00051 ही तक जा पाया, ज़्यादा हाई नहीं गया था। अगर आप दोस्तों इसके यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे तो आपको यहाँ पर अब डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक बार फिर से जो इसका प्राइस है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तब लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा कम कर दिया, बाय करना यहाँ पर कम कर दिया है, इसलिए इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है थोड़ा सा आपको यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके यहाँ पर पिछले 24 घंटे का चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो एक बार फिर से ग्रीन हो गया है। कल काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था, आप यहाँ पर देखोगे तो कल कितना बड़ा यहाँ पर डंप देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से दोस्तों ये थोड़ा सा पंप होता हुआ नज़र आ रहा है, फिर से एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से मार्केट स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट डाउन गया है। मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर लगातार कितनी बार दोस्तों ये मार्केट नीचे गया है, उसके बाद फिर से रिकवर हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 3.75% की यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, साथ में इथेरियम भी ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, अगर बिटकॉइन और इथेरियम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जितने भी अल्ट कॉइन जो कल पूरी तरीके से बिखर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा डाउन गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो फिर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऊपर जाने लगेंगे। अभी दोस्तों इतना ऊपर नहीं जाएंगे, अपनी जो पहले यहाँ पर पोजिशन थी वही पोजिशन में आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर से धीरे धीरे से थोड़ा सा मार्केट फिर से यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि चाइना कैसे हर बार एक चाल चलता है। मैं आपको एक यहाँ पर फोटो से समझाऊँगा। एक चार्ट है मेरे पास दोस्तों, अगर आप ये चार्ट यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये चार्ट है दोस्तों 2013 से लेकर 2021 तक का चार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर देखोगे तो 2013 में जब यहाँ पर बिटकॉइन पंप कर रहा था, बिटकॉइन जब यहाँ पर बुल रन चल रहा था, बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, तब चाइना से न्यूज़ निकल के आती है कि चाइना रिस्ट्रिक्ट्स बैंक यूज़ ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर चाइना ने बैंक को रिस्ट्रिक्ट किया कि आप बिटकॉइन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अलीबाबा बैन्स बिटकॉइन, अलीबाबा ने यहाँ पर बिटकॉइन को बैन किया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो मार्केट है वो धीरे धीरे डाउन जाने लगा। आप यहाँ पर देखोगे तो कितना ज़्यादा इसका जो मार्केट है वो डाउन जा रहा था। उसके बाद फिर दोस्तों आगे चल के यहाँ पर 2017, ये 2013 का मैंने आपको बताया, इसके बाद फिर 2017 में फिर बुल रन स्टार्ट होता है, फिर एक बार यहाँ पर बिटकॉइन ऊपर जाने लगता है, मार्केट ऊपर जाने लगता है। तब यहाँ पर देख सकते हैं चाइना बैंस इनेलसिन कॉइन कॉलिंग दैट इलीगल फाउंडरिंग। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन ड्रॉप्स $500 आफ्टर रिपोर्ट्स चाइना विल बी बैन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। यहाँ पर आप देखोगे तो 2017 में दोस्तों चाइना ने 2017 के मतलब मिडिल में चाइना ने अपने जो क्रिप्टो एक्सचेंज थे उनको बैन करने का यहाँ पर प्लान किया था। तो एक बार फिर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। उसके बाद फिर अगर ये ऊपर गया तो फिर चाइना से कुछ यहाँ पर गलत न्यूज़ निकल के आई कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहा है चाइना, तो फिर एक बार यहाँ पर बड़ा सा डाउन देखने को मिला लगातार दोस्तों यहाँ पर 2000 आप यहाँ मैं 2017-18 का बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 2019 में फिर यहाँ पर ऊपर जा रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो चाइना वांट्स टू बैन बिटकॉइन माइनिंग। यहाँ पर फिर चाइना ने कहा कि वो बिटकॉइन माइनिंग को बंद कर रहे हैं, जो जैसे अभी न्यूज़ 2021 में आ रही है, वैसे यहाँ पर 2019 में भी निकल के आई थी। तो फिर एक बार क्रिप्टो मार्केट जो डाउन गया, आप लगातार देख सकते हो जब जब क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो चाइना हर बार ऐसे यहाँ पर 2013-14 से लगातार कंटिन्यू करता आ रहा है। 2014 में किया, 2017 में किया, 2018 में, 2019 में, और एक बार फिर 2021 में वही चाल चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बार फिर दोस्तों आप यहाँ देखोगे कितना बड़ा पंप देखने को मिला क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन फिर चाइना आ गया है और चाइना बोल रहा है कि हम बिटकॉइन माइनिंग बंद कर रहे हैं। उनकी जो थर्ड लार्जेस्ट बैंक है उन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो जिनको जो ट्रांजेक्शन उनको इलीगल किया। लगातार दोस्तों यहाँ पर चाइना जब भी मार्केट पंप करता है तो यहाँ पर चाइना कुछ ना कुछ ऐसा करता है, कुछ गलत न्यूज़ निकालता है जिससे मार्केट फिर डाउन जाता है। दोस्तों, इनकी चाल ऐसे रहती है बेसिकली कि जब ये यहाँ पर मार्केट पंप करता है
तो ये कुछ भी यहाँ पर न्यूज़ निकाल देते हैं। इनको पता है कि इस न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट की वजह से मार्केट जब यहाँ पर क्रैकडाउन होता है, मार्केट नीचे जाता है, तो फिर से ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉइन बाय कर लेते हैं और फिर से धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट पंप होने लगता है। दोस्तों आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ इतनी बार दोस्तों मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है तो एक बार फिर से मार्केट दोस्तों यहाँ पर नीचे जाके ऊपर जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2021 की बात करें तो कितना ऊपर गया था, तो अभी काफ़ी यहाँ पर आपको पता ही है, काफ़ी लोग अभी जुड़े हैं तो उनको पता है कि अभी कितनी ख़राब यहाँ पर न्यूज़ आ रही है, उसकी वजह से मार्केट डाउन जा रहा है, लगातार डाउन जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 2013-14 की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन कितने पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो $130, $190, $260 ये 2013-14 में इतने यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। और अभी बिटकॉइन को आपको पता है कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, $30,000 के ऊपर। तो दोस्तों जब इतने कम डॉलर पर ट्रेड करके ये इतना ऊपर चले गया, तो अभी तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन में $30,000 पर ट्रेड कर रहा है, तो फिर और कितना ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आप होल्ड करके रखिए, वही लोग पैनिक हो रहे हैं जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा, एक बार फिर से सभी कॉइन, अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो दोस्तों आपको पता ही दूसरों अल्ट कॉइन है वो भी ऊपर जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चार्ट की लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके यहाँ पर एक बार फिर से इस चार्ट को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब जब यहाँ पर ऊपर गया है मार्केट और चाइना ने यहाँ पर मार्केट की टांग खींची है और उसको नीचे लेके आया है, दोस्तों आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि कितना कम यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस था और कितना ज़्यादा अभी यहाँ पर 2021 तक पहुँच चुका है। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर ऊपर जाता हुआ ही दिखाई देगा, कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, उसके बाद फिर से आप देखोगे कि ऊपर जाता हुआ ही नज़र आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर न्यूज़ की बात बताऊँ दोस्तों, अभी यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हो बिटकॉइन शुड बी इन एवरी पोर्टफोलियो सिंस मेक्सिको थर्ड रिचेस्ट मैन। जो यहाँ पर मेक्सिको का थर्ड रिचेस्ट मैन है, उनका कहना है कि बिटकॉइन हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सभी को बता भी रहे हैं कि बिटकॉइन सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि एक बार दोस्तों फिर यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होना बाकी है, तो उसके बाद फिर से दोस्तों मार्केट ज़रूर पंप करने वाला है। दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो DCG टू बाय 50 मिलियन इन शेयर्स ऑफ ग्राइसेल इथेरियम क्लासिक ट्रस्ट। दोस्तों जो DCG है वो यहाँ पर 50 मिलियन के शेयर्स बाय करने वाली है ग्राइसेल इथेरियम क्लासिक ट्रस्ट के। दोस्तों इथेरियम जो क्लासिक है उसके यहाँ पर शेयर है वो यहाँ पर DCG है वो बाय करने वाली है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने बाकी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आ रही है। अब यहाँ पर पढ़ सकते हो Southwest to accept crypto। दोस्तों Southwest के बारे में मैं आपको बताऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो Southwest के बारे में। Southwest दोस्तों काफ़ी बड़ी यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो Southwest इज ब्रिटिश फाउंडेड अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। दोस्तों ये न्यूयॉर्क की ब्रिटिश की काफ़ी बड़ी दोस्तों यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बनाती है, ब्रोकरेज करती है डेकोरेटिव आर्ट, ज्वेलरी, रियल असिस्ट, इन सब का यहाँ पर ब्रोकरेज करती है। और इनकी कंपनी दोस्तों 80 लोकेशन पे है और 40 कंट्रीज़ में, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, किसको, यहाँ पर क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया है कि जितने भी ये डायमंड वगैरह सेल करेंगे तो उसमें क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, और डायमंड का आपको प्राइस पता है कि डायमंड कितना महंगा रहता है, तो अगर इतने बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर ट्रांजेक्शन होने लगे तो क्रिप्टो मार्केट जल्दी फिर से एक बार बूम करने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से क्रिप्टो मार्केट पंप होगा तो आप थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, क्योंकि होल्ड इज़ गोल्ड। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।